हेलो एवरीबॉडी, मैं निशा पांडे आपकी सबसे पसंदीदा वेबसाइट streetfood.cafe से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पटियाला के कुछ पर्यटन स्थल के बारे में। पटियाला भारत के पंजाब प्रांत का एक नगर और भूतपूर्व राज्य है। पटियाला जिला पूर्ववर्ती पंजाब की एक प्रमुख रियासत थी। आज यह पंजाब राज्य का पाँचवा सबसे बड़ा जिला है। पटियाला की सीमाएँ उत्तर प्रदेश में उत्तर में फतेहगढ़, रूपनगर और चंडीगढ़ से, पश्चिम में संगरूर जिले में, पूर्व में अम्बाला और कुरुक्षेत्र से और दक्षिण में कैथल से मिलती हैं। पटियाला पैक के लिए मशहूर यह स्थान शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी रहा है। देश का पहला डिग्री कॉलेज मोहिंदर कॉलेज की स्थापना 1870 में पटियाला में ही हुई थी। किला मुबारक परिसर 10 एकड़ क्षेत्र में फैला किला मुबारक परिसर शहर के बीचों बीच स्थित है। किला अधरू या मुख्य महल, गेस्ट हाउस और दरबार हॉल इस परिसर के प्रमुख भाग हैं। इस परिसर के बाहर दर्शनी गेट, शिव मंदिर और दुकानें हैं। किला अंदर सैलानियों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इसके वास्तुशिल्प के उत्तर मुगल कालीन और राजस्थानी शिल्प का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। परिसर में उत्तर और दक्षिण छोरों पर 10 बरामदे हैं जिनका आकार अलग ही प्रकार का है। मुख्य महल को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे महलों का एक झुंड हो। हर कमरे का अलग नाम और पहचान है। वास्तव में इसका शिल्प सौंदर्य देखते ही बनता है। दरबार हॉल, यह हॉल सार्वजनिक समारोहों में लोगों के एकत्रित होने के लिए बनवाया गया था। इस हॉल को अब एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है जिसमें आकर्षण फानुस और विभिन्न अस्त्र शस्त्रों को रखा गया है। इस संग्रहालय में गुरु गोविंद सिंह जी की तलवार और कटार के साथ साथ नादिर शाह की तलवारें भी देखी जा सकती हैं। यह 2 मंजिला हॉल एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। हाल में लकड़ी और कांच की शानदार कारीगरी की गई है। मोती बाग महल, इस महल का निर्माण कार्य राजा महाराजा नरेंद्र सिंह के काल से शुरू हुआ था जो 20वीं शताब्दी में जाकर महाराजा भूपेंद्र सिंह के शासन काल में पूरा हुआ। ओल्ड मोती बाग महल को अब राष्ट्रीय खेल संस्थान बना दिया गया है। महल के राजस्थानी शैली के झरोखे और छतरी बहुत ही सुंदर हैं। साथ ही महल में एक बहुत ही सुंदर बगीचा बरामदा है। पानी की नहरें और शीश महल भी बना हुआ है। लक्ष्मण झूला, शीश महल के सामने बहती एक छोटी सी झील के साथ ही लक्ष्मण झूला बना हुआ है। इस झूले का निर्माण ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले की तर्ज पर किया गया है। फिर मिलेंगे नए शहर में नए स्ट्रीट फूड के साथ। streetfood.cafe से आपकी होस्ट निशा पांडे।